सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। गल करदे आं 20 मई दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, पंजाब पुलिस सख्त, सरकार वल्लों लगाईआं पाबंदियां दी उलंघना करन वालिआं दी हुण खैर नहीं। कोरोना महामारी दे संबंध च पंजाब सरकार वल्लों हर वर्ग नूं बचाउण लई लगाईआं पाबंदियां दी पालना ना करन वाले दुकानदारां दी जिला पुलिस प्रशासन जम के खबर लैण लगा है। सरकारी हुकमां विच इह स्पष्ट कीता गया है कि उलंघना करन वाले किसी भी व्यक्ति जां दुकानदार दी हुण खैर नहीं है। इस दे चलदे डिवीजन नंबर 2 दी पुलिस ने फील्डगंज इलाके च शिवम कोल्ड ड्रिंक नामी दुकान नूं लॉकडाउन लगन तों बाद भी खोली रखण दे केस विच नन्नू गुलाटी खिलाफ केस दर्ज करके उस नूं गिरफ्तार कर लिया। इस पुलिस ने फील्डगंज इलाके विच अमुल डेयरी नां नाल दुकान चलाउण वाले शेरू खिलाफ भी सरकार दीआं पाबंदियां नूं अणदेखा कीते जाण दे दोष च मुकदमा दर्ज कीता। इस तरहां सराबा नगर दी पुलिस ने मिली सूचना दे आधार ते BRS नगर इलाके विच नजाकत दुपट्टा अते बुटीक फैब्रिक दे मालकां खिलाफ लॉकडाउन दी उलंघना करन दे दोष विच परचा दर्ज करके बनदी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दित्ती है। अगली खबर दोस्तों, कोरोना दे नां ते मोटी कमाई करन वाले प्राइवेट हस्पतालां दी हुण खैर नहीं। कोरोना के नाते मोटी कमाई करने वाले प्राइवेट हस्पतालों की हुण खैर नहीं होवेगी। सेहत विभाग वालों नियमों के उल्ट अते मरीजों तो ज़्यादा रकम वसूलन वाले हस्पतालों से कार्रवाई करने लई विशेष योजना बना ली है। अमृतसर जिले के 32 हस्पतालों के विभाग की नज़र रहेगी। विभाग वालों इस संबंध च सी मैडिकल अधिकारी की अगवाई च टीम का गठन कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने दसिया कि सरकार वालों स्पष्ट किया गया है कि जिहड़ा हस्पताल मरीजों तो कोरोना उन्हां दे नां ते ज़्यादा रकम वसूल कर रहे हैं उन्हां ते सिकंजा कसिया जाएगा। जिले च 32 प्राइवेट हस्पताल अजे हैं जिन्हां च कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सरकार के मामला ध्यान च आया है कि कुछ हस्पताल बिल लेंदे समय अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने दसिया कि हस्पतालों की जाँच लई सी मैडिकल अधिकारी ड्रग इंस्पैक्टर एनथीसिया के डाक्टरों की टीम का गठन किया गया जो रोजाना हस्पतालों की चैकिंग करनगियां अते उन्हां दा रिकॉर्ड वेख। उन्होंने दसिया कि हस्पतालों नूं हुक्म दिते गए हैं कि लैवल 1, 2 ते 3 के मरीजों के इलाज के संबंध च निर्धारित की गई रकम भी डिस्प्ले की जाए अते मरीजों के परिवारों नूं कोई परेशानी नहीं आउण दिती जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध च हस्पतालों के डाक्टरों नूं हुक्म दिते गए हैं कि नियमों अनुसार काम करन नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर दोस्तों, कोरोना के कहर च किसानों ते वड्डी मार, खादां दीआं कीमतां च मोटा वाधा। पंजाब के किसानों नूं सौणी दे सीजन दौरान अगले महीने तो शुरू हो रही झोने ते होर फसलों की बिजाई लई वध पैसे खर्चने पैणगे क्योंकि खादां ते होर चीज़ां दीआं कीमतां च वाधा हो गया। केंद्र सरकार वालों DAP ते NPK जिहियां खादां ते डीजल दीआं कीमतां च वाधा कीता गया है जिसका असर खेतों ते पैना सुभाविक है। इन्हां खादां दीआं कीमतां बाजार च 50% तो ज़्यादा वध गईआं हन। DAP दे 50 किलोग्राम बैग की कीमत 1200 रुपए तो वधा के 1900 रुपए ते पहुँच गई है जबकि NPK की कीमत 1000 तो 1100 रुपए तो वध के 1500 तो 1800 रुपए प्रति थैला हो गई है। यह दोवें खादां झोने ते मक्की की खेती च काफ़ी मात्रा च वरतियां जांदियां हन। कीमतों च भारी वाधे का कारण कौमांतरी बाजार च कच्चे माल दीआं असमानी कीमतां हन। अगली खबर दोस्तों, पंजाब च मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कदे भी पहुंच सकता तौते तूफान, कद्दू काश्तकार चिंतित। गुजरात के समुद्री तट नाल टकराए चक्रवाती तौते कारण मौसम विभाग वालों सूबे च भी अलर्ट जारी करदिआं कहा है कि आने वाले समय च पंजाब विच इस तूफान की आमद हो सकती है। मोगा खेत्र के सरहदी जिलों च सवेर तो ही कई थावी हल्कियां हवावां वगण दीआं खबरां हन। उधर मौसम विभाग वालों जारी किए अलर्ट ते मालवे के सब्जी काश्तकार किसान भी चिंता के आलम विच डुबे नज़र आ रहे हैं। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं सब्जी काश्तकार किसान जरनैल सिंह, बलविंदर सिंह घोलिया, कुलदीप सिंह, मनोज कुमार अते गुरमेल सिंह ने दस्या कि साडा किता सिर्फ सब्जी ते निर्भर है। जेकर तौते तूफान पंजाब च आउंदा है तां उसने साडी सारी मेहनत मिट्टी कर देनी है। उन्हां कहा कि महंगे भाव जमीना ठेके ते लै के असीं अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल नाल करदे हाँ। उन्हां कहा कि जेकर कुदरत ने अजिही मार मारी तां असीं कई वरे इस होए नुकसान तो बाहर नहीं निकल सकते। उन्हां भरे मन नाल कहा कि पहलां ही सानूं सरकार की बेरुखी का शिकार
होना पै रहा है। उत्ते कोरोना की आफत ने साडा धंधा चौपट कर दिता। हुण मौसम विभाग वालों जारी किए अलर्ट ने साडी चिंता विच होर वाधा कर दिता है। सब्जी काश्तकार किसान बलविंदर सिंह ने कहा कि बाहरी सूबियां विच आए इस दिल दलाउण वाले तूफान दीआं तस्वीरां देख के मन उदास है अते सब्जियां दी खेती ते कीती होई मेहनत देख के डर सता रहा है। अगली खबर दोस्तों, गरीबां नूं बिना राशन कार्ड तों मुफ्त राशन मुहैया करवावे कांग्रेस सरकार। दिल्ली विचली केजरीवाल सरकार वल्लों कोरोना पीड़ित बच्चों ते परिवारां नूं विशेष आर्थिक मदद देण दा स्वागत करदिआं आम आदमी पार्टी पंजाब दी सीनियर आगू ते पंजाब विधानसभा च विरोधी धिर दी उप आगू सरबजीत कौर माणूके अते विधायक गुरमीत सिंह मीतहेयर ने पंजाब दी कांग्रेस सरकार तों मंग कीती है कि दिल्ली सरकार दी तरह सूबे दे कोरोना पीड़ितां नूं भी वित्तीय मदद दित्ती जावे। बुधवार नूं पार्टी दे मुख दफ्तर उत्ते पत्रकारां नूं संबोधित करदिआं विधायिका सरबजीत कौर माणूके अते विधायक गुरमीत सिंह मीतहेयर ने दस्सिआ कि कोरोना महामारी ने दिल्ली विच बहुत बुरा असर कीता है जिस कारण बहुत सारे बच्चे मापिआं तों वांझे हो गए अते हजारां परिवारां दे कमाउण वाले नहीं रहे। उन्हां कहा कि इस दुख दी घड़ी विच आम आदमी पार्टी दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकां दीआं जिंदगीआं बचाउण लई सिर तोड़ यतन कीते। उत्थे ही कोरोना पीड़ित परिवारां दे चंगे जीवन बसर लई नगद राशि अते पैनशन देण दे ऐलान कीते हन। उन्हां दस्सिआ कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विच रहण वाले कोरोना महामारी कारण अनाथ होण वाले बच्चों नूं 2500 रुपए 25 साल की उम्र तक पैनशन देण दा ऐलान कीता है, जदों कि परिवारक मैंबर की कोरोना नाल मौत होण ते 2500 रुपए पैनशन देण दा निर्णा कीता है। इसे तरह परिवार विच कमाउण वाले की कोरोना नाल मौत हो जाण ते 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान कीता है, जदों कि दिल्ली विच रहण वाले बिना राशन कार्ड वाले गरीब परिवारां समेत 72 लाख लोगों नूं मुफ्त राशन देण दा आदेश जारी किए गए हन। बीबी सरबजीत कौर माणूके ने कहा कि दूजे पासे देश दे सब तो अमीर सूबे पंजाब दी कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी नाल नजिठण लई सुचज्जे प्रबंध करन अते महामारी नाल पीड़ित परिवारां दी वित्तीय मदद करन विच बुरी तरह फेल होई है। उन्हां कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अणऐलानी तालाबंदी कारण सूबे विच लखां परिवारां दी रोजी रोटी बंद हो गई, पर मुख मंत्री ने किसी भी परिवार तक राशन पानी देण दा कोई प्रबंध नहीं कीता। आम आदमी पार्टी दे आगूआं ने पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तों मंग कीती है कि जिवें दिल्ली दी अरविंद केजरीवाल सरकार दी तर्ज ते कोरोना कारण कमाउण वाले दी मौत होण ते परिवार नूं 50,000 रुपए दा मुआवजा अते अनाथ बच्चों नूं हर महीने वित्तीय सहायता उन्हां दे खाण पीण रहण सहण अते पढ़ाई दा खर्च कैप्टन सरकार देवे। इस तों इलावा राशन कार्ड वाले परिवारां समेत बिना राशन कार्ड परिवारां नूं भी मुफ्त राशन दिता जावे। अगली खबर दोस्तों, बीबी जगीर कौर दे अस्तीफे दी मंग हुई तेज, जथेबंदियां ने कारवाई दी दित्ती चेतावनी। इतिहासक गुरु अस्थाना अते श्रोमणी कमेटी नाल संबंधित अदारियां दे दफ्तरां विचों कमेटी प्रधान वल्लों लगवाईयां गईयां आप दीआं तस्वीरां नूं तुरंत हटाउण दी मंग करदिआं सिख नौजवानां दी जथेबंदी अमर खालसा फाउंडेशन दे कौमी प्रधान भाई अवतार सिंह खालसा ने कहा कि जे बीबी जगीर कौर ने आप दीआं तस्वीरां नूं हटाउण दी हदायत ना कीती तां संगत नूं गुरधामां च पुरातन रिवायत नूं कायम रखण लई आप ही योग कारवाई करन दा हक हासिल है। अमर खालसा फाउंडेशन दे प्रधान भाई अवतार सिंह खालसा ने कहा कि श्रोमणी कमेटी दे प्रधान बीबी जगीर कौर वल्लों अपने अहुदे दी दुरवरतों करदिआं अपने भाणजे बलराज सिंह पुत्तर हरदीप सिंह नूं गुरद्वारा सुखचैन साहिब फतेहगढ़ विखे हैड रागी वजों पद उन्नत करन अते आप दे इक नज़दीकी अधिकारी दे भतीजे जगदीप सिंह पुत्तर अमरजीत सिंह वासी लतीफपुर नूं सुपरवाइजर दी अहम असामी ते हाल ही च कीती गई भारतीय नियमां दे उल्ट अते संगत नाल बहुत वड्डा धोखा है। भाई खालसा ने कहा कि अजिही गलत पहुंच नाल बीबी जगीर कौर श्रोमणी कमेटी वर्गी महान पंथक संस्था नूं ठेस पहुंचा रही है अते सिख कौम अंदर दुविधा भी पैदा कर रही है। सिख संस्थावां च किसी भी किस्म की बेनियमी नूं संगत बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई खालसा ने याद दवाया कि बीते समय दौरान 523 मुलाजमान का मामला अते बाद च भी कई अजिहे मामलों ने श्रोमणी कमेटी के अक्ष नूं धुंधला किया है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी के ट्रस्ट अते सिक्ख्या अदारियां च लोड़ अनुसार मुलाजमान की तरह रखण की प्रवानगी इश्तहार देण अते चोण मैरिट के आधार पर ही होनी चाहिए है। भाई खालसा ने निखेधी करदिआं रोस वजों कहा कि इस तरह श्रोमणी कमेटी के मौजूदा प्रधान बीबी जगीर कौर वल्लों श्रोमणी कमेटी
ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। अगली खबर दोस्तों, फतेहगढ़ साहब चो ऑडिवन सिस्टम होया खत्म, हुण इन्ने समय लई खुल सकणगियां सारियां दुकानां। कोरोना दा कहर जारी है, जिला फतेहगढ़ साहब चो कोविड 19 दी भयानक महामारी कारण जिले दे लोकां नूं प्रभावित होण तों रोकण अते मुश्किल दी इस घड़ी नूं ध्यान विच रखदे होए आम लोकां नूं सुरक्षा लई जनतक हितां नूं देखदे होए एहतियात वजों हुण सारे बाजार सवेर 8 बजे तों 1 बजे तक खुले रहणगे। ऑड ते ईवन दा सिस्टम खत्म हो गया है। अमृत कौर गिल ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ 8 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ 8 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। कोई भी व्यक्ति कोविड संबंधी नैगेटिव रिपोर्ट जो कि 72 घंटे तो वध पुरानी ना होवे जां वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कि 2 हफ्ते पहलां दा होवे तो बिना हवाई यात्रा रेल यात्रा या सड़क राही जिले च एंटर नहीं हो सकेगा। समाजिक सभ्याचार राजनीतिक ते एकत्रता ते इन्हां नाल संबंधित समागमां ते सरकारी समागमां ते मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। जिन्हां व्यक्तियों वालों किसी भी भारी इकट्ठ विच शमूलियत की गई होवे ते उन्हां नूं अपना कोविड टैस्ट करवाउणा अते 5 दिन अपने घर एकांतवास विच रहना लाजमी होवेगा। सारे विद्यक अदारे स्कूल कॉलेज बंद रहणगे ते मैडिकल ते नर्सिंग कॉलेज खुल सकणगे। सारे प्राइवेट दफ्तर घर तों ही कम कर सकणगे। अगली खबर दोस्तों की ब्लैक फंगस नाल 400 तों 500 लोकां ने गवाई है अखां दी रोशनी। बीते कुछ दिनों तो एक खबर चंडीगढ़ विच काफ़ी वायरल हो रही है जिथे कोरोना की बीमारी तो बाद हुण ब्लैक फंगस नां दी बीमारी ने एक वड्डी परेशानी खड़ी कर दिती है जिसका खतरनाक प्रभाव देखण नूं मिल रहा है। चंडीगढ़ के PGI हस्पताल च जिस नाल हुण तक 400 तों 500 के करीब लोगों दी अखां दी रोशनी जा चुकी है, पर यह खबर बिल्कुल झूठी है जिसका स्पष्टीकरण PGI MR ने दिता है। इस ते जानकारी सांझी करते हुए डॉक्टर SS पांडव ने एक निजी अखबार च छपी खबर का हवाला दिंदे हुए कहा कि जो भी खबर छप रही हैं वह झूठ हैं, इन्हां च कोई सच्चाई नहीं है। PGI च महज 3 तों 4 मामले सामने आए हैं जिस विच ब्लैक फंगस नाल मरीजां दी अख दी रोशनी गई है, ना कि 400 तों 500 लोकां दी। अगली खबर दोस्तों, तीजी लहर तों पहलां ही बच्चियां ते कोरोना दा कहर। इस सूबे च सामने आ रहे डराउण वाले आंकड़े। कर्नाटक च तीजी लहर आउण तों पहलां ही बच्चियां च कोरोना दे मामले तेजी नाल वध रहे हन। महाराष्ट्र तों बाद कर्नाटक इह सूबा है जिथे दूजी लहर दौरान कोरोना दे मामले सब तों तेजी नाल वधे हन। दूजी लहर दौरान ही कर्नाटक च बच्चियां च इनफैक्शन तेजी नाल वध रहा है, जबकि विज्ञानियों का अनुमान है कि तीजी लहर बच्चों लई खतरनाक हो सकती है। कोरोना की पहली लहर दौरान 9 मार्च तो 25 सितंबर 2020 विचकार 10 साल तो छोटे बच्चों के 19,378 मामले और 11 तों 20 साल के बच्चों के 41,985 मामले सामने आए सन। कोरोना की दूजी लहर च सारे रिकॉर्ड टुटते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 15 दिन यानी 1 तों 16 मई 2021 विचकार हुण तक 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट च आ चुके हैं। वाधे इनफैक्शन लैके सरकार अलर्ट हो गई है, उत्थे ही लोग फिक्रमंद हो गए हैं। दूजी लहर च ही बच्चों ते कोरोना का कहर शुरू हो गया है। यह सांझी हुण तक दी ताज़ तरीन ते मुख खबरां, होर खबरां जानने लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते वीडियो नूं अपने दोस्तों ते परिवार नाल शेयर करना ना भुलना। धन्यवाद दोस्तों।